લોકડાઉનને પગલે અનેક પરપ્રાંતી લોકો ગુજરાતમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે ત્યારે કચ્છના ભીમાસરથી સાયકલ લઈને પોતાના વતન ઉત્તર પ્રદેશ જવા ઉપડ્યા છે અત્યારે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે અને લોકડાઉનને પગલે દેશભરના અલગ અલગ રાજ્યોના પરપ્રાંતી મજૂરો ફસાઈ ચૂક્યા છે અત્યારે ફસાયેલા મજૂરો હવે તેમના વતન પહોંચવા માટે નવો કિમિયો અપનાવ્યો છે ઉત્તર પ્રદેશથી કચ્છના ભીમાસરમાં મજૂરી માટે આવેલા છ શખ્સો છેલ્લા બે માસથી ફસાયેલા હતા અને તેમના કોન્ટ્રાક્ટરો આ મજૂરોને વેતન આપ્યા વગર જ જતો રહેતા આ મજૂરોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી તેથી લાચાર બનેલા આ મજૂરોએ ભીમાસરથી પોતાના વતન જવા માટે ચાલતી પકડી હતી આ છ વ્યક્તિઓ અંજાર પહોંચ્યા ત્યારે તેમના પરિવારજનોને વાત કરી ત્યારે તેમના પરિવારજનોએ આ મજૂરોને પેટીએમની મદદથી નાણાં મોકલ્યા હતા અને બાદમાં આ નાણાંની મદદથી તેઓએ સાયકલ ખરીદી હતી પોતાના વતન પહોંચવા માટે સાયકલની યાત્રા શરૂ કરી હતી અને સાયકલ યાત્રા કરીને પોતાના વતનની વાટ પકડેલા આ સાયકલ યાત્રીઓ આજે ડીસા પહોંચ્યા હતા ડીસા પહોંચેલા સાયકલ યાત્રીઓએ તેમની સાયકલ યાત્રા અનુભવો કેમેરા આગળ રજૂ કર્યા હતા સર મેં રહેને વાલા આઝમગઢ કા હું સર મેં યહાં પર આયા થા કામ કે લિયે સર ફરવરી માં મેં આયા થા 15 ફરવરી કો યહાં સે યહાં પર ડ્યુટી કર રહા થા સર કંપની મેં सर उस कंपनी में मतलब लॉकडाउन लगने के कारण सर कंपनी बंद थी सर फिर बंद करने के बाद फिर सर सरकार तो बोल रही थी कि हम देंगे हर आदमी को देंगे खाने के लिए सर हमारे यहाँ मतलब वो जो भी मतलब सुविधा हो हम लोग के पास नहीं जाती थी सर जितना डेढ़ महीने में कमाए थे मतलब उतना मतलब जो भी कमाए थे सर वो अपना खाए पिए फिर बाद में कंपनी का जो हमारा ठेकेदार था वो लोग निकाल दिया हम लोग को सर बरबसई से निकाल दिया वो लोग तो सर हम लोग निकालने के बाद दो चार पाँच दिन रोड पे सोए सर उधर मतलब थोड़ा लोकल मतलब सर बहुत थोड़ा मोड़ा परेशान किए फिर हम लोग वहाँ से पैदल पैदल सर आए गांधीधाम 40 किलोमीटर चलकर वहाँ सर आए फिर मतलब घर के मतलब सब लोग जान गए थे उसके पहले ही जान गए थे फिर बोले बेटा क्या क्या तकलीफ़ है सर हम लोग बोले कि मतलब हम लोग के पास पैसे अब भी एक रुपये भी नहीं है हम लोग अब कैसे आएँगे कैसे नहीं आएँगे सर अभी मतलब प्रशासन तो बहुत बता रहा था उस समय मालूम चला था कि ट्रेन चलेगी दिल्ली से 15 ट्रेन सर चलेगी मतलब हर राजधानी के लिए सर सर हम लोग जिस एरिया में रहते थे गांधीधाम अभी वहाँ से मतलब कोई ट्रेन खुली नहीं थी सर फिर हम लोग सोचे मतलब कैसे जाएंगे फिर ये हुआ फिर सर हम लोग मतलब बहुत रोए हुए सर गांव से पैसा आया फिर हम लोग अकाउंट में सर किसी के 6 आदमी हम लोग हैं सर किसी के पास सर ATM में नहीं था सर मेरे पास था तो मैं मंगाया गाँव से ATM सब लोग अपने अपने घर से मतलब कुछ कुछ पैसे मंगाए सर हम लोग को 1700 किलोमीटर जाना है सर इस समय हम लोग दिशा में आए हैं सर 300 किलोमीटर चलकर आ गए हैं सर सर साइकिल से आए सब गांव सर गांव से जब पैसे मंगाए तो हम लोग तो वो पैसे मंगा कर सर हम लोग साइकिल लिए उधर फिर सोचे धीरे धीरे साइकिल से चलेंगे सर ये दिशा में सर आए हैं तो शैलेश साहब मिले हैं सर वो बोले चलो बेटा हम तुम लोग का कुछ भी हेल्प कर सकते हैं सर सर हम लोग 6 लोग हैं सर जाना है 3 लोग को सर जाना है चंदौली जिला में सर जाना है और 3 लोग को हम लोग को आजमगढ़ जिला में जाना है।